सूर्य संध्या मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 97 41 13 85 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपरटेट टीजीटी पीजीटी एलटी यूपी कांस्टेबल एसएससी आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। ये हैंडमेड नोट्स है और ये आपको सफलता दिलाने में पूर्णतः सक्षम है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य किया करें ताकि और भी लोग इस चैनल के साथ जुड़ सके। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और बताते हैं आपको कि क्या कुछ चल रहा है। सबसे बड़ी चीज, लोक सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड दो विभिन्न विभिन्न मुद्दों को लेकर के इस समय जो है मंथन जारी है उनका, कि प्रवक्ता में जो है 50% की अनिवार्यता की जाए अथवा नहीं। आज लोक सेवा आयोग में इस बात को लेकर के ज्ञापन भी दिया गया और इस बात का अब स्पष्टीकरण मिल चुका है कि आगामी आने वाली जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती में 50% की अनिवार्यता को समाप्त किया जाएगा। साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी किसी भी तरीके से केवल परास्नातक की डिग्री ही मान्य की जाएगी, उसमें भी 50% की अनिवार्यता को समाप्त किया जाएगा। साथ ही साथ एलटी ग्रेड में जो विषय विवाद रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, दो दिन ही हड़ताल थी डाक विभाग की और बैंक कर्मचारियों की, आज वो हड़ताल समाप्त हुई है। तो अब जो है मतलब इनका क्लेरिफिकेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो जवाब अपना भेजा है वो कल तक या परसों तक जो है मतलब लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद सारी चीजें स्वयं खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएंगी। और इस बार कला के विद्यार्थियों में प्रावधिक टेक्निकल फाइन बीएफए ये तो शामिल होंगे, लेकिन ये औपबंधिक होंगे, इनको बीएड अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा, लेकिन शामिल किए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो संशोधित नियमावली है वह संशोधित नियमावली 2018 कला विद्यार्थियों पर लागू हो अथवा ना हो, इसके लिए फाइल एक प्रस्ताव बना करके भेजा गया है कार्मिक विभाग को। और चूंकि कार्मिक विभाग और नियुक्ति विभाग दोनों ही महाराज के पास है, तो उन्हें ही अंतिम निर्णय लेना है कि क्या आगे करना है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जैसे ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा निदेशालय का पत्र लोक सेवा आयोग को प्राप्त होगा, वैसे ही तत्काल आपका एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तत्काल प्रभाव से जारी हो जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि खंड शिक्षा अधिकारी के वैकेंसी को लेकर के भी अभी तक जो अध्याचन की प्रक्रिया है उसकी विवेचना चल रही है उसका वेरिफिकेशन चल रहा है और आयोग को लगातार खंड शिक्षा अधिकारी के जो है अध्याचन प्राप्त हो रहे हैं। और ये कमोबेश ये संख्या जो है वो लगभग 1800 तक जा सकती है, मतलब आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती, वन डे भर्ती। इस बार मतलब आपको जो है दो टीयर एग्जाम नहीं देखने के लिए मिल सकता है, वन डे एग्जाम देखने के लिए मिल सकता है। तो इसके लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखिए और आपको खंड शिक्षा अधिकारी का भी विज्ञापन बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी के लिए भी आपने देखा ही है कई जगह से जो मतलब डीआईएस में ये सारी चीजें पत्र आदि जारी करके शासनादेश जारी करके अध्याचन आदि प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। क्योंकि इसमें तदर्थ शिक्षकों के भी पद शामिल किए जाएंगे, गुलाब देवी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था, जो माननीय मंत्री महोदया हैं उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि इसमें तदर्थ शिक्षकों के भी पद सम्मिलित किए जाएं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि आज हाई स्कूल अंग्रेजी विषय इंटर अंग्रेजी विषय के पेपर लीक मामले में 24 जिलों के डीआईएस पे जो है गाजगिरी है, उन्हें सस्पेंड किया गया है और 137 विद्यालयों की मान्यता रद्द की गई है। 137 विद्यालयों पर यह आरोप था कि उन्होंने गलत जानकारी दे करके लगातार जो है मतलब कई वर्षों तक
गलत शिक्षकों की जानकारी दे करके उनके वेतन को वो हड़प रहे थे, ले रहे थे, जबकि वहां पे ऐसा कोई शिक्षक ही नहीं था, है ना। तो ये सारे जो मतलब समानांतर एक चयन बोर्ड बना करके ये सारी चीजें की जाती हैं, लेकिन अब उन्हें शायद ये पता नहीं है कि मतलब योगी महाराज का शासन है, तो जाहिर सी बात है अब इस तरीके की धाधरबाजी नहीं कर पाएगी। और सबसे बड़ी चीज यही है कि अब आपके जो पद सम्मिलित किए जा रहे हैं वो आपको एक बड़ी वैकेंसी की तरफ आपके लिए इशारा कर रहे हैं, और पूरा यकीन है कि अप्रैल माह में आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, प्रवक्ता, ये सारी वैकेंसियां देखने के लिए मिलेंगी। आज बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी से भी मुलाकात हुई है और उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आगामी समय में, आगामी एक दो हफ्ते में जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए नए विज्ञापन की घोषणा की जाए, साथ ही साथ टेट का रिजल्ट को भी डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि टेट की परीक्षा एक माह से हुए ज्यादा वक्त बीत रहा है और अभी तक उसका परिणाम जारी नहीं किया गया है। तो परिणाम जारी किया जाए ताकि सुपर टेट की तैयारी हो सके और सुपर टेट का विज्ञापन आ सके। इस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि एक दो दिन में इस पर जो है मतलब कार्रवाई की जाएगी और सुपर टेट के लिए जो है मतलब पत्र जो है मुख्यमंत्री महोदय को भेजा जाएगा, ताकि उससे मंजूरी मिलने के बाद, कार्मिक विभाग से मंजूरी मिलने के बाद, वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद जो है हम आगे की प्रक्रिया बढ़ा सकें, अपना सकें और विद्यार्थियों को एक स्वर्णिम अवसर हम प्रदान कर सकें। साथ ही साथ एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए भी बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं, मैं जानता हूँ इस बात को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास जो है मैसेजेस भी करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2 तारीख को जो मतलब इस पर डिक्लेयर हो जाएगा, 2 तारीख तक फैसला हो जाएगा और उसके बाद आपका जिला आवंटन सूची, जो चयनित विद्यार्थी होंगे उनकी सूची वो जारी कर दी जाएगी। 6800 के जो मतलब लिस्ट को लेकर के एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है कि 6800 का जो लिस्ट जारी हुआ था वो लिस्ट अब पूरी तरीके से खारिज कर दी जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि 69,000 से अधिक पदों पर जो है नियुक्तियां नहीं की जा सकती हैं, और यदि ये अलग से जो है मतलब पद सृजित करके 6800 को नियुक्तियां देते हैं तो इसका विरोध किया जाएगा। इसका स्पष्टीकरण जो है मतलब माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को भी दे दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एक तरीके से जो मतलब वो नहीं होना चाहिए और इसका समर्थन हम सभी नहीं कर सकते। 6800 की लिस्ट को निरस्त करके नई वैकेंसी की घोषणा की जाए, नई वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया जाए, ताकि सभी विद्यार्थियों के साथ एक समान न्याय हो सके। इसलिए हर तरीके का कार्य जो है आपके इस लोकप्रिय चैनल सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जो मतलब लगातार चल रहा है, और लगातार हमारा प्रयास भी है कि आपको बहुत जल्दी ही विज्ञापन की सौगात मिले। जो आपका फ्रस्ट्रेशन है, जो आपकी निराशा है, जो आपका डीमोटिवेशन है, इन सारी चीजें दूर हो सके, मैं तो आपसे हमेशा ही कहूंगा तैयारियों में जुटे रहिए, लगे रहिए, क्योंकि विज्ञापन जिस दिन आया उस दिन आपके एग्जाम का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। फिर वही चीजें होती हैं कि मतलब विज्ञापन आता है, परीक्षाएं होती, परीक्षाएं चली जाती हैं, आप वहीं के वहीं रह जाते हो, है ना। तो वहीं को वहीं नहीं रहना है, इस बार जो मतलब क्लियर करना है एग्जाम, तो अभी से ही पढ़ाई में जुट जाइए। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। आपको 10 तारीख तक यूपी कांस्टेबल का भी विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से, इस बात का स्पष्टीकरण प्राप्त हो चुका है। तो जो भी भाई बहन हमारे मतलब यूपी कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी प्रिपरेशन में लग जाएं, जुड़ जाएं सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। ये चैनल आपको पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से आने वाली जो मतलब यूपी कांस्टेबल की भर्ती, एसआई की भर्ती, एमटीएस आदि की भर्ती के लिए भी जो मतलब आपको बेहतरीन स्टडी मटेरियल आदि उपलब्ध करा सकती है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।